हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे लूप टेक्नो सिस्टम चैनल पे आने का। मैं संजय पाशी। तो आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ GF2, जिसे बोलते हैं गोल्ड फाइंडर 2। तो दोस्तों, ये आपके सामने मशीन दिख रही है, देखिए ये GF2 मेटल डिटेक्टर, जो कि ये मेड इन चाइना का है। और आप अगर हमारे यहाँ से लेते हैं तो आपको इसमें 2 साल वारंटी के साथ मिलेगा। तो ये सबसे अच्छी मशीन है और सस्ते प्राइस में आपको 8 से 10 फीट तक के डेप्थ के रेंज में आपको मिल जाएगा। इसमें देखिए, ये 11 इंची का ये प्लेट है, जिसे बोलते हैं डबल डी कॉइल, और एक होता है 15 इंची कॉइल। तो आज मैं दोस्तों बताने वाला हूँ इस मशीन के बारे में, कैसे आपको यूज करना है। तो अगर आप इस मशीन को अभी परचेज करना चाहते हैं तो प्लीज आप मेरे नंबर पे आप कॉल करिए, और मेरा नंबर आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है और डिस्क्रिप्शन में भी जाकर के आप देख सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। तो अब मैं मशीन को स्टार्ट करता हूँ। ये देखिए, मशीन को स्टार्ट करने का यहाँ से होता है, ये मशीन स्टार्ट हो गया है। बिल्कुल इजी टू यूज मशीन है, फुल ऑटोमेटिक है। मशीन स्टार्ट होने के बाद आप चाहे कोई सेटिंग करिए या ना करिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी मेटल होगा, जैसे ये गोल्ड रिंग है, ये देखिए गोल्ड रिंग है, इसका सिग्नल देखिए स्क्रीन पे क्या शो होता है। तो ये जो है 50 से 60 के बीच का गोल्ड होता है, और ये हमारे पास सिल्वर रिंग है, ये देखिए सिल्वर रिंग, इसका सिग्नल देखिए कितने पे आता है। इसका जो है 60 से 70 या 80 तक आ जाता है सिल्वर का सिग्नल। ये देखिए हमारे पास जो है ये तांबा है, तांबे का सिग्नल ये देखिए इसका कितना आता है, देखिए इसका देखिए 80 से लेकर के 90 के बीच का सिग्नल आ रहा है। ये भी पीतल ही है, सॉरी तांबा है, इसका भी सेम सिग्नल आ रहा है। अगर कोई जमीन के अंदर आयरन होगा, ये देखिए हथौड़ी है, ये अगर मैं इसको सर्च करता हूं तो देखिए इसमें क्या सिग्नल आ रहा है, बिल्कुल आयरन को जो है सिग्नल देगी मशीन, और वो 50 से नीचे का सिग्नल होगा, कोई भी आयरन का ऑब्जेक्ट होगा। तो दोस्तों ये तो था ऑल मेटल का फंक्शन था, और ऑल मेटल पे इस मशीन को आप यूज करते हैं तो ज्यादा डेप्थ मिलता है। अगर आप सोच रहे हो कि मुझे आयरन नहीं सर्च करना है, ओनली मुझे सर्च करना है गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम, ब्रॉन्ज, नॉन फेरस मेटल, तो नॉन फेरस मेटल का सेटिंग कैसे होता है मैं अभी आपको बताता हूँ। ये देखिए, हमें कुछ भी नहीं करना होता, सिर्फ ओनली आपको लॉन्ग प्रेस करना होता है ये वाला बटन, और डिस्क्रिप्शन मोड पे आ जाते हैं। तो डिस्क्रिप्शन मोड पे जाने के बाद आपको जो है सेंसिटिविटी तो ऑटोमेटिक 60 पे रहता है। उसके बाद जो है यहाँ पर देखिए डिस्क लेवल लिखा होता है। अगर आपको आयरन ऑफ करना है तो आयरन को जो है आप जो है 45 तक कर सकते हैं, या आप 50 तक भी कर सकते हैं, वैसे 45 तक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए ये आयरन है, ये आयरन है, आयरन को अभी सिग्नल बता रहा था मशीन ऑल मेटल पे। अब मैंने डिस्क्रिमिनेशन मोड यूज किया है, देखिए ये आयरन पे कोई भी सिग्नल नहीं दे रहा है, ठीक है। जैसे मैं अगर गोल्ड यूज करूंगा, ये गोल्ड रिंग जो कि अभी सिग्नल दे रहा था, इसका सिग्नल देखिए, मशीन फालतू का आवाज नहीं करेगा, जहां पर मेटल मिलेगा वहीं पर आवाज करेगा। ये गोल्ड हो गया, ये सिल्वर हो गया, ये देखिए ये तांबा हो गया, ये देखिए ये भी आयरन था, आयरन पे बिल्कुल आवाज नहीं कर रहा है, ठीक है। ये भी मैं लगा रहा हूं, बिल्कुल नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर कोई चमकीला धातु होगा, जमीन के अंदर चमकता हुआ धातु होगा, तो उसका सिग्नल देखिए, ये देखिए, चाहे वो स्टील हो या सिल्वर हो या कुछ भी होगा, चमकदार धातु अगर होगा तो वो जो है नॉन फेरस का सिग्नल देगा। तो दोस्तों ये बिल्कुल इजी टू यूज मशीन है। तो मैंने अभी आपको बताया इसका डिस्क्रिमिनेशन मोड का फंक्शन, कैसे आपको यूज करना है। तो दोस्तों अगर आप जैसे ये चाह रहे हैं कि मुझे ऑल मेटल भी यूज करना है, और मुझे ये मतलब कि अलग अलग मेटल पे, जैसे आयरन का अलग साउंड दे और नॉन फेरस का अलग साउंड दे, तो उसकी सेटिंग मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आपको करना है। ये जो मैंने अभी आयरन को ऑफ किया था, उसे जो है मुझे 10 पे ले जाकर के करना होगा,
रॉक को मैंने ऑफ कर रखा है, उसके बाद ऑफ ट्यून होता है, ऑफ ट्यून को आप जो है तीन पे ले जाइए। उसके बाद ये देखिए, ये आयरन है, इसका ट्यून देखिए डिफरेंट आ रहा है, ये भी आयरन है, बिल्कुल फटा हुआ ट्यून आ रहा है, ठीक है आयरन का। अगर कोई नॉन फेरस मेटल होगा जैसे कि ये तांबा है, इसका सिग्नल देखिए बिल्कुल पतला साउंड आ रहा है, ठीक है। ये भी देखिए, ये और ये देखिए सिल्वर है, ठीक है, और ये गोल्ड है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, जैसे कि मैंने आपको सारा फंक्शन आपको बताया कि अलग अलग मेटल पे आपको जैसे कि आयरन ऑफ कर देना है तो आयरन आप बंद भी कर सकते हैं, और अलग अलग ट्यून के हिसाब से भी पहचान कर सकते हैं मेटल का। तो दोस्तों अगर आप इस मशीन में अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप जरूर आप जो है आप खरीद सकते हैं, सस्ते सस्ता प्राइस भी है और अच्छा मशीन है, 2 साल वारंटी के साथ मिल रहा है। और भी हमारे पास बहुत तरह के मॉडल हैं मशीनों में, जैसे गैरेट ब्रांड का हो गया, माइलेब का हो गया, या फिशर हो गया, टेक्नेटिक ब्रांड हो गया। अगर कोई भी अगर डाउट हो तो आप प्लीज आप कमेंट करिए और आप पूछ सकते हैं कि जो भी आपका डाउट हो, और मेरे नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं। ओके गाइस, थैंक यू, बाय।